यह है इंकस्केप का ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल में हम ड्रॉ करेंगे एक फिंगरप्रिंट लोगो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बरुआ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंकस्केप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस तरह का ये जो आर्क बोर्ड है इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले तो हमें ग्रिड की भी जरूरत पड़ेगी। व्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ फोर्थ ऑप्शन है पेज ग्रिड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ ग्रिड आ गया है। इसके बॉक्सेस कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, हमें एक से बॉक्सेस बड़े करने होंगे। तो सबसे पहले हम फाइल में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पेज है आर्कबोर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पेज में आते हैं और यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि आप बोर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि शो पेज बॉर्डर, यहाँ चेक मार्क है, इसको अनचेक कर देंगे। तो ये देखिए, ये चला गया। ओके, इसके बाद हम ग्रिड्स में क्लिक करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ आएंगे ग्रिड यूनिट, तो यहाँ पिक्सल ही रहने देंगे। अगर यहाँ पिक्सल नहीं है तो आप पिक्सल में कर दीजिए इसको। यहाँ नीचे आएंगे स्पेसिंग एक्स, स्पेसिंग एक्स में हम करेंगे 50 और स्पेसिंग वाई में भी हम करेंगे 50। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस के ये जो बीच के सेंटर है, ये है सेंटर हमारा। तो सबसे पहले यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेंटर में लाएंगे, ये देखिए, ये शो करता है सेंटर। कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करेंगे और माउस पॉइंट से ड्रैग करते हुए इस तरह से एक परफेक्टली राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। फील की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फील में जाएंगे, फील को नन कर देंगे। स्ट्रोक पेंट में जाएंगे, स्ट्रोक पेंट ब्लैक कलर के लेंगे। स्ट्रोक स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे पी एक्स पिक्सल, पिक्सल ही होना चाहिए, और विथ 60 रखेंगे। यहाँ पे 60 आप टाइप करके 60 कर सकते हो, फिर एंटर। तो ये है 60 विथ। अब बी सेलेक्ट करेंगे, फिर से सेंटर में आएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एक और इस तरह से राउंड शेप क्रिएट करेंगे। तो इसकी स्पेसिंग जो है हमें इक्वली रखनी होगी। अब हमें सर्कल चाहिए इसमें 5, तो सबकी जो स्पेसिंग है वो इक्वली होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल स्पेसिंग है। तो सेंटर में आएंगे, कंट्रोलर शिफ्ट की प्रेस किया इस तरह से, कंट्रोलर शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस तरह से। तो ये हो गए हमारे पास 5 सर्कल। सेलेक्ट टूल लेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, जूम आउट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट कर लिया हमने, पाथ में गए, कंबाइन करेंगे या कंट्रोल के प्रेस करके भी आप कंबाइन कर सकते हैं। डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे एक रेक्टेंगल नीचे की, इस हाफ राउंड सर्कल में ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेंटर। इसका फील रेक्टेंगल का ग्रीन कर देते हैं और स्ट्रोक में जाते हैं, स्ट्रोक पेंट को नन कर देते हैं, ओपासिटी हाफ कर देंगे कुछ इस तरह से। दोनों को सेलेक्ट करेंगे,
अलाइन में जाएंगे, अलाइन वर्टिकल एक्सिस, तो ये बिल्कुल अलाइन हो गया सेंटर में। इस ब्लैक पार्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ग्रीन पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे, कट पाथ, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये बीच में से कट कर देता है पाथ को। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं ओपासिटी में आता हूँ, ओपासिटी को हाफ कर देता हूँ। तो अब आप जैसे कि देख सकते हो, बीच में से ये पाथ कट हो गया। नीचे का जो जितना भी पार्ट है उन सबको सेलेक्ट करेंगे, जूम करेंगे और यहां से पकड़ेंगे, ड्रैग करते हुए लास्ट थर्ड सर्कल में लेके आएंगे, कुछ ऐसे। मैं दिखाता हूं आपको, कंट्रोल प्रेस किया, यहां से ड्रैग करते हुए यहां तक लेके आए, कुछ इस तरह से यहां छोड़ देंगे, जूम करेंगे। अब फिर से सेलेक्ट करते हैं इनको, इन पार्ट्स को फिर से सेलेक्ट किया हमने, जूम करेंगे थोड़ा सा। अब इस पार्ट को यहां लेके आएंगे, कुछ इस तरह से जूम आउट किया, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जूम करेंगे थोड़ा सा। ये जो बीच का सेंटर है, हमें इसको यहां लेके आना है, इस सर्कल के बीच में रखना है, कुछ इस तरह से। ये बीच में आ गया सेंटर, ये आपको दिख रहा होगा। डीसेलेक्ट करेंगे सब कुछ, उसके बाद फिर से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करेंगे, यहाँ सेंटर में, जैसे हम सेंटर में लाते हैं, ये देखिए सेंटर दिखा रहा है, और इस तरह से ड्रैग करते हुए यहां तक लेके आएंगे, इस सर्कल तक। फील में जाएंगे, फील को नन कर देंगे, स्ट्रोक पेंट में जाएंगे, स्ट्रोक पेंट यहां से ले लेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे। अब हमें चाहिए एक, ये हो गया दो, तीसरा यहां इस सर्कल के बीच में, चार पांच छ सात आठ, आठ सर्कल चाहिए, डीसेलेक्ट किया हमने, फिर से सेंटर में गए और कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से जूम आउट करेंगे, इन ऊपर वाले पार्ट्स को सबको सेलेक्ट करेंगे, ये जो सर्कल है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस रेड कलर में क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ही क्लिक करना है। जैसे हम शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये रेड हो गया है, सेलेक्ट ही रहने देंगे, कंट्रोल जी या फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो, वो सारे पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से जूम करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस रेड पार्ट को डी सेलेक्ट करेंगे। अब इन ब्लैक पार्ट्स को पाथ में जाएंगे, कंबाइन करेंगे या कंट्रोल के प्रेस कर सकते हो, डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, एक राउंड शेप हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक राउंड शेप हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, साइज कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता, कलर हम यहां से रेड कर देते हैं और स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक को नन कर देंगे, या फिर कलर मैं यहां से ब्लू कर देता हूं। इस रेड पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जूम करके, राइट क्लिक किया, कॉपी करेंगे, इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहां ऊपर जरा यहाँ ध्यान देंगे जरा, ये जो लॉक आइकन है ये ऑफ ही रहना चाहिए, यानी कि अनलॉक नहीं होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट किया हमने, एडिट में गए, पेस्ट साइज, पेस्ट विथ, तो जैसे हम पेस्ट विथ में पेस्ट करते हैं, ये जो इसकी साइज है ये रेड की
रेड पार्ट की साइज इस ब्लू पार्ट में आ गई। ये ब्लू पार्ट हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस किया, इस रेड पार्ट को भी सेलेक्ट किया। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आएंगे, अलाइन में सेंटर और वर्टिकल एक्सिस, और यहां से अलाइन टॉप एज कुछ इस तरह से डी सेलेक्ट करेंगे। अब इस ब्लैक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ब्लू पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे, कट पाथ, डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ। तो अब हमने क्या किया है वो आपको पता लग गया। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ नीचे इन पार्ट्स के नीचे जो भी हम ड्रैग करेंगे वो नीचे से करेंगे। यहाँ से नीचे से एक पार्ट को ड्रैग किया हमने, डिलीट, ड्रैग, डिलीट, ड्रैग, डिलीट, ड्रैग, डिलीट, कुछ इस तरह से ड्रैग करते रहेंगे और डिलीट करते रहेंगे कुछ इस तरह से। जूम करेंगे, अब रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं, यहां से ड्रैग करते हुए यहां पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में। अब जूम करते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, जितने भी ब्लैक पार्ट हैं बाहर ये रेड के ऊपर है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करके। शिफ्ट की प्रेस की हमने और इन सबको क्लिक करते रहेंगे, सेलेक्ट होता रहेगा, इन सबको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, सेलेक्ट रहने देंगे, पाथ में जाएंगे, कंबाइन, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ब्लू पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे, कट पाथ, डी सेलेक्ट करेंगे सब कुछ। अब ये जितने भी ऊपर के ब्लैक पार्ट हैं इन सबको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहां से नोट्स टूल सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ब्लैक पार्ट में आ जाता है सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले यहां से ये जो पार्ट है इनके बीच में से हमें ब्रेक करना है। तो यहां डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी, यहां डबल क्लिक किया मैंने और यहां आएंगे, यहां ऊपर ऑप्शन है ब्रेक पाथ एट सिलेक्टेड नोड्स, इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहां एक नोड बनाया हमने डबल क्लिक करके, फिर उसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे ब्रेक के लिए। अब देखते हैं, ये देखिए ये ब्रेक हो गया, इसको डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो जितने भी पार्ट्स हैं बीच बीच में से हमें उनमें ब्रेक करते रहना है। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए इनके बीच में, बहुत ज़्यादा गैपिंग भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गैपिंग अगर हम दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए सब में करके देखते हैं फिर। तो कुछ इस तरह से हमने किया। अब सभी पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे,
ओपासिटी में जाएंगे, ओपासिटी को 100 कर देंगे और इस रेड पार्ट को पहले हमें अनग्रुप करना है, कंट्रोल, और अब ओपासिटी को 100 कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब हमें ग्रेडिएंट फील्ड देना है, तो उससे पहले सबसे पहले सबको सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे, स्ट्रोक टू पाथ करेंगे कुछ इस तरह से, और इन सबको पहले यूनियन करेंगे, इस रेड पार्ट को और इन ब्लैक पार्ट को साथ में। तो जूम करते हैं सबसे पहले, ये देखिए पहले इनमें कुछ अनवांटेड पार्ट्स भी हैं, उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, पाथ में जाएंगे, ब्रेक पार्ट करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे। अब ये जो अनवांटेड पार्ट्स हैं इनको पहले हटाएंगे और डिलीट करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, आई थिंक और नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, जूम करेंगे, इस ब्लैक पार्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस किया, इस रेड पार्ट को सेलेक्ट किया, पाथ में गए, यूनियन। तो इस तरह से हमें सभी ब्लैक पार्ट को रेड पार्ट के साथ यूनियन करना है। तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अब इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं पहले, किसी एक पार्ट को, चलिए इस पार्ट को सेलेक्ट किया हमने। अब ग्रेडिएंट फील देंगे, फील में गए, लीनियर ग्रेडिएंट पर क्लिक करेंगे, जी प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से ग्रेडिएंट टूल लेंगे, एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, दूसरे पॉइंट को ट्रैक करके यहाँ लेके आएंगे, दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और कलर प्लेट में आ जाते हैं। यहाँ से कलर लेंगे हम, ये सियान कलर ले लेते हैं दोनों साइड में, और डबल क्लिक करेंगे बीच में और यहाँ से डार्क सियान कलर कर देंगे, थोड़ा लाइट और कर देते हैं कुछ इस तरह से, या फिर दोनों को डार्क कर देते हैं, सॉरी दोनों को कर देते हैं डार्क और बीच में कर देंगे लाइट कुछ इस तरह से। अब स्ट्रोक पेंट में आते हैं, लीनियर ग्रिड में क्लिक करते हैं, जो इसका जो स्ट्रोक की विड्थ है वो थोड़ा कम कर लेंगे हम, यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सर स्ट्रोक स्टाइल में आए, यहाँ से क्लिक कर देंगे, मैं यहाँ से 40 करता हूँ, एंटर, ये बिल्कुल ठीक है, 40 रखेंगे हम, और ग्रेडिएंट टूल लेंगे, ये देखिए इसमें दो ग्रेडिएंट टूल लाएंगे, एक फील के लिए और एक स्ट्रोक के लिए। जो स्ट्रोक का जो ग्रेडिएंट होगा वो रेड होगा और फील का जो ग्रेडिएंट है वो ब्लू है। तो हमने इस रेड वाले ग्रेडिएंट टूल पर काम करना है, दोनों साइड में सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, दोनों साइड में हमने सेलेक्ट किया, दोनों साइड में यहाँ से डार्क कर देंगे, डार्क सियान, और डबल क्लिक करेंगे बीच में, यहाँ कर देंगे, या तो फिर ऐसे करते हैं दोनों साइड में हम लाइट कर देते हैं यहाँ से, और सेंटर में करेंगे डार्क, ये ठीक, और इसकी विड्थ को जो है, चलिए ओके, विड्थ को हम 25 रखेंगे, विड्थ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था तो हमने विड्थ को 25 रखा है, और कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा ग्रेडिएंट तैयार हो गया है, ऐसे ही करके हर एक पार्ट्स को हमने ग्रेडिएंट फील देना है, फील में और स्ट्रोक में दोनों में। तो इस पार्ट को सेलेक्ट किया,
इस ग्रेडिएंट में क्लिक करते ही हमें यहाँ पे फील हो जाता है ग्रेडिएंट, और यहाँ से ग्रेडिएंट टूल लेंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। अब स्ट्रोक पेंट में जाएंगे, लीनियर ग्रेडिएंट, और यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल में 25 करेंगे एंटर, और एक पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, इसको ड्रैग करते हो ऊपर इस तरह से, और यहाँ से लीनियर ग्रेडिएंट में जाएंगे और ये फर्स्ट ये जो बीच का कलर है इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये फील हो जाता है। ओके तो कुछ इस तरह से हमने ग्रेडिएंट फील कर दिया। तो ये ग्रिड की हमें ज़रूरत नहीं है, इस ग्रिड को व्यू में जाएंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड चला जाता है। सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, तो जो हमारा फिंगरप्रिंट लोगो था वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले इंकस्केप के ट्यूटोरियल में हम कुछ नया ड्रॉ करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।